So, friends, let us talk about an important concept in the chapter, binomial theorem. Now what is this important concept? Let us talk about it. question If n belongs to a natural number, then prove that the integral part of capital N is equal to 3 plus root 7 whole power n is an odd integer. आप समझ रहे इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल पार्ट इसका वो क्या होना चाहिए ध्यान से देखें इंटीग्रल पार्ट इज एन ऑड इंटीजर ये अपने को प्रूव करना है तो ठीक है अब मैं आप सबसे ये कहूंगा रूट सेवन एक इेशनल नंबर है तो जो कैपिटल एन लिखा हुआ है यहां पर इज इक्वल्स टू थ्री प्लस रूट सेवन की पावर एन लिखा हुआ है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब रूट सेवन की पुट भी कर देंगे तो ये आई प्लस एफ के बराबर आएगा जहां पर आई इंटीग्रल पार्ट होता है आई क्या होता है इंटीग्रल पार्ट होता है और जो एफ है वो फ्रैक्शनल पार्ट ठीक है ना एफ क्या है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट यानी इसकी वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के ओपन वन के बीच में होती है फ्रैक्शनल पार्ट यानी क्लोज जीरो से लेकर के ओपन वन के बीच में होती है, है। अब मैंने क्या करा एफ डैश लिखा थ्री माइनस का रूट सेवन की पावर एन रूट नाइन हम जानते हैं थ्री होता है तो रूट सेवन थ्री से छोटा है, है तो हमने अंदर में ध्यान रखना है कि जो भी पॉजिटिव नंबर आएगा थ्री माइनस रूट सेवन आए या रूट सेवन माइनस का थ्री डिपेंडिंग वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है वो देख लें आप हमेशा ये भी एक प्रॉपर एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा ये भी एक क्या होगा फ्रैक्शन होगा बोल सकता हूं अंदर में पॉजिटिव होगा तो बाहर भी एक पॉजिटिव फ्रैक्शन ही आएगा निकल करके ठीक है ना जीरो हो नहीं पाएगा ये क्योंकि थ्री का बराबर नहीं है तो जीरो तभी होता जब ये 3 और 7 बराबर होते तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन है और ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है ठीक है ना मतलब 0 नहीं है है अंडरस्टूड यानी कहने का मतलब जो एफ डैश है वो भी क्लोज जीरो से लेकर के वन के बीच में है ओपन जीरो से वन के बीच में है इनफैक्ट ये ठीक है ना ओपन जीरो से लेकर के वन के बीच में है अब हमने प्रूव करना है इंटीग्रल पार्ट दिस नंबर इज ए odd इंटीजर integral पार्ट हमें चाहिए किसका इसका तो मैं क्या करूंगा दोस्तों आप ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर में के जो थ्री प्लस रूट सेवन हैवन है अब इसके अंदर में अगर मैं सोच के देखें अगर एक नंबर ऐड कर दूंगा अगर मैं इसके अंदर में एक नंबर ऐड कर दूंगा कौन सा नंबर यानी आई प्लस एफ के अंदर में अगर एफ डैश एड कर दिया जाए आई प्लस एफ के अंदर में एफ डैश कैसे एड कर दिया जाए ध्यान से सुनो इस बात को मैं कह रहा हूं आई प्लस एफ के अंदर में एफ डैश एड करने का फायदा ये होगा आप ध्यान से देखें थ्री प्लस रूट सेवन की पावर एन प्लस थ्री माइनस का रूट सेवन की पावर एन ये बनेगा यानी एक्स प्लस वाई होल पार एन प्लस एक्स माइनस वाई होल बार एन इस तरीके का बनेगा ये जिससे कि हमारे लिए बाइनोमियली इसको ऐड करना आसान हो जाएगा आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया सर इसको ऐड क्यों किया ये सवाल आपके मन में आया तो सवाल को मैं ही रेज कर दे रहा हूँ अस मेक दिस वीडियो एन इंटरएक्टिव लर्निंग इंटरएक्टिव लर्निंग इसके अंदर में ठीक है ना तो मैं क्वेश्चन भी खुद रेज कर दूंगा अभी तक मैं क्वेश्चन रेज नहीं करता था उनका आंसर डायरेक्टली दे रहा था तो अब से वीडियो में मैं क्वेश्चन भी भी रेज कर दूंगा दूंगा और आंसर आपको दे ठीक है ना सो दैट वीडियो वीडियो को एक वीडियो को एक रिकॉर्डेड देखते हुए हमारे लिए चीजें मोनोटोनस ना हो ठीक है तो थ्री प्लस रूट सेवन के अंदर में थ्री माइनस का रूट सेवन मतलब पावर एंड पावर एंड ऐड करा इसलिए हम जानते हैं एक्स प्लस वाई होल पार एन की एक्सपेंशन क्या होती है एनसी जीरो पावर पावर या NCR X N R y R, ऐसा होता है तो की N R की R तो फर्स्ट टर्म टर्म की की आएगा यानी पर इसके लिए जीरो आएगा फिर ये माइनस रूट सेवन की पावर वन आएगा माइनस रूट सेवन की पावर थ्री आएगा उसी जब पावर रूट सेवन की ऑड आएगी तभी आगे माइनस साइन आएगा रूट सेवन की पावर अगर इवन आएगी तो माइनस साइन नहीं आएगा माइनस आएगा तभी कटेगा तो मतलब मतलब हमने इन्हें ऐड करना पड़ेगा तभी वो कटेगा अब अपने आप सोच करके देखें ये वैल्यू टू टाइम्स ऑफ एन सी जीरो इंटू थ्री की पार एन प्लस एन सी उसके बाद टू आएगा इंटू थ्री की पार एन माइनस टू क्योंकि एन सी वन

बोलो 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 ये सारे का सारा टर्म्स ये सारी की सारी क्या होंगे इन सबका एडिशन नेचुरल नंबर ही होगा ठीक है इसका मतलब आई प्लस एफ प्लस एफ डैश एक इवन नंबर हुआ और इवन नंबर है और इवन नंबर कोई भी एक इंटीजर तो होता ही है उसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है सही है आई प्लस एफ प्लस एफ डैश इवन नंबर है इंटीजर है अब एफ हमें पता है जीरो से वन है एफ पता है जीरो से वन है यानी एफ प्लस एफ डैश पहले मैं ऐसा बोलूंगा इंटीजर के अंदर में क्या ऐड करूं तो एफ प्लस इंटीजर इंटीज़र में इंटीजर ऐड करोगे तभी इंटीजर आएगा ये कन्फर्म होगी बात और हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू जीरो से लेकर के टू तक ही रहेगी है मैक्सिमम में मैक्सिमम ऐड कर दिया जो हमने इनकी रेंज डिफाइन करी है जीरो सेवन जीरो

और हमने अप्रूव कर लिया इसका इंटीग्रल पार्ट ये रहा इंटीग्रल पार्ट ये रहा इंटीग्रल पार्ट ये क्या है एक ऑड इंटीजर है ये बात अपने से प्रूव हो गई यू गेटिंग माय पॉइंट चलिए बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ कि बिल्कुल वैसा सा ही सवाल है 2 √3 होल की पावर 6 लिखा हुआ है 2 √3 होल की पावर 6 लिखा हुआ है अब मैं चाह रहा हूं इससे पहले हम ये क्वेश्चन करें ताकि आप अपने आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये वाले कर पाएं पाए सेकेंड हाँ ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं चलिए कि शो दैट द इंटीग्रल पार्ट क्या इनफैक्ट देखे इंटीग्रल पार्ट किसका यहां इवन है ठीक है ना उस क्वेश्चन से जो अभी हमने किया उससे डिफरेंट वहां पर इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा था और आ रहा था अब इंटीग्रल पार्ट क्या चाहिए अपने को ईवन चाहिए अब ये कैसे करेंगे आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं इंटीग्रल पार्ट इसका हमें चाहिए इवन चाहिए और इंटीग्रल पार्ट और नंबर क्या है ये रहा नंबर अपने पास तो अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ राइट चलिए तो ध्यान से देखें से के थ्री रूट थ्री प्लस फाइव होल की पावर टू एंड प्लस वन जो है वो आई प्लस एफ के बराबर होगा वो आई प्लस एफ के बराबर होगा कुछ तो इंटीग्रल पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के वन के बीच में होती है ठीक है और ये काम हम ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा भी हम लोगों ने ये काम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा भी है क्या के 3√3 5 होल पावर 12 1 लिखा है ये और यहां पर 3 3 5 की पावर टू एन प्लस रूट थ्री करेंगे समथिंग आएगा मतलब ये 5 से बड़ी आ रही है तो थ्री रूट थ्री में से फाइव घटाएंगे राधर फाइव में से थ्री रूट थ्री घटाएंगे पावर टू एन प्लस वन इसको एक नया फ्रैक्शन एफ डैश मान ले क्या मान ले नया फ्रैक्शन एफ डैश मान ठीक है ना और दोस्तों भले ही पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हम एफ और एफ डैश यूज कर रहे हैं बट उस एफ और एफ डैश का इस एफ और एफ डैश से कोई लेना देना नहीं है बस इतनी बात है कि भैया वो भी फ्रैक्शन थे ये भी फ्रैक्शन है एंड वैल्यू सेम हो या ना हो होने में हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है अगर हो रही है तो वो एक है दैट्स इट नथिंग मोर देन दैट राइट दोस्तों तो सही अब यहाँ पर ये यह एफ डैश मान लिया अब मैं क्या करूंगा अब मुझे इंटीग्रल पार्ट निकालना है इसका अब ध्यान से देखें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर रेडिकल साइन आ रहा है फर्स्ट प्लेस पर रेडिकल साइन आ रहा है अब मैं आई प्लस एफ में से एफ डैश को घटाऊंगा ऐड नहीं करूंगा क्यों घटाने पर क्या होगा आराम से सोचे थ्री रूट थ्री प्लस फाइव की पावर टू एन प्लस वन में से थ्री रूट थ्री माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस वन लिखा अब इसमें से आप इसको घटाएंगे अगर तो क्या मिलेगा ठीक है ना क्या फायदा होगा अब अपने आप सोच के देखें दोस्तों हम जानते हैं x प्लस y होल की पार एन एक्सपेंशन के अंदर में n c r x पावर n r y पावर r ये होता है तो x की पावर यानी फर्स्ट टर्म की पावर n r और सेकंड टर्म की पावर r होती है तो फर्स्ट टर्म की पावर और यहां पर n n नहीं है 2n 1 है तो वी वांट टू गेट ल फ्री तभी हम उसके इंटीग्रल पार्ट के बारे में बात कर पाएंगे क्योंकि अगर ये रेडिकल फ्री होगी तभी वो एक नेचुरल नंबर आएगा तभी हम कमेंट कर पाएंगे भैया ये क्या है चीज पूरी की पूरी तो एज ए रिजल्ट अब यहां पर फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर एन माइनस आर आता है तो आप अपने आप अप सोच करके देखें अगर मैं थ्री रूट थ्री प्लस फाइव की पावर टू एन प्लस वन करूंगा तो टू एन प्लस वन सी जीरो रूट थ्री की पावर एन सी जीरो आएगा और यहां पर क्या करेंगे ध्यान से देखो मैं इतने का एक्सपेंशन आपको करके दिखाता हूं एक मिनट के लिए आपको ये बात मेरी बहुत बेहतर तरीके से समझ में टू एन प्लस वन सी जीरो इंटू थ्री रूट थ्री की पावर टू एन प्लस वन फिर अगली टर्म क्या आएगी माइनस फाइव की वजह से यहाँ माइनस वन आ जाएगा और टू एन प्लस वन सी वन इंटू थ्री रूट थ्री की पावर टू एन इंटू फाइव आ जाएगा यानी यहाँ पर ये रेडिकल फ्री हो जाएगा क्योंकि पावर में हमेशा ऑड नंबर ये एक ऑड नंबर है हमेशा इसमें से अगर आप ऑड नंबर घटाएंगे तो हमेशा पावर इवन रहेगी यानी जो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पर जो अवेलेबल है वेरी मतलब थ्री रूट थ्री की पावर इवन आएगी तो रेडिकल फ्री हो जाएगा और इसके आगे माइनस साइन आ रहा है तो और आगे हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया एड नहीं किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाली जो टर्म आ रही है क्योंकि सब कर रहे हैं तो ये कारण है सब कर रहे हैं एडिशन नहीं कर रहे तो एज अ रिजल्ट दोस्तों यहां से आप अपने आप सोचकर क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ इंटीजर आएगा ये यानी एक इवन नंबर आएगा मुझे लिखने की उसको जरूरत ही नहीं है कि क्या आएगा मुझे पता है वो टू टाइम्स ऑफ इंटीजर आएगा या टू टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर आएगा इतनी बात हम लिख सकते हैं तो यानी एक इवन नंबर आएगा यानी अब आई प्लस एफ माइनस का एफ डैश अब ये इंटीजर है ये इंटीजर होगा क्योंकि ये भी तो एक इंटीजर है इवन नंबर भी तो एक इंटीजर होता है राइट right? तो इसका मतलब एफ माइनस का एफ डैच एक इंटीजर है अब एफ माइनस का एफ डैश एक इंटीजर है अगर हमने ये बात जान ली तो अब ध्यान से देखें एफ माइनस का एफ डैश की रेंज क्या आएगी वो आएगी माइनस वन से लेकर के वन में से मिनिमम में से मैक्सिम और मैक्सिम से मिनिमम घटा दो रेंज निकालने के लिए अब माइनस वन से वन ओपन इंटरवल के अंदर में अगर एफ माइनस का एफ डैश इंटीजर है तो वो केवल और केवल ए की वैल्यू वैल्यूज है इसका मतलब आई प्लस जीरो इज इक्वल टू इंटीजर आएगा इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो आई है वो एक क्या आएगा इंटीजर आएगा आई क्या आएगा एक इंटीजर आएगा मेरी बात समझ में आ रही है अब इसमें माइनस का यानी की वैल्यू के इक्वल आ गई ठीक है ना काइंडली इसको मिक्सअप जैसा मैंने शुरू में भी कहा पिछले क्वेश्चन से मत कर दीजिएगा कि यहाँ से एफ एफ डैश के बराबर आ गया और वहां एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू वन आ गई थी तो दोनों की वैल्यू हाफ हाफ हो गई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना ऐसा कुछ भी कोई रूल नहीं है तो हमने दोस्तों इस क्वेश्चन में प्रूव करना था इंटीग्रल पार्ट इस नेचुरल नंबर का इन इस नंबर का कैपिटल एन का वो क्या है इवन है और हमने वो इंटीजर है और यानी वो एक इवन इवन प्रूव कर लिया या नंबर है और ये भी हम ऑलरेडी इवन नंबर पहले प्रूव कर चुके हैं तो एज अ रिजल्ट ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा राइट right, दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बस ध्यान क्या रखना है कि यहां पर हमने क्या बात करनी थी आप समझने की कोशिश करें यहां पर यहां पर इंटीग्रल पार्ट इसका इवन प्रूव करना था तो इवन प्रूव करना है तो चीजों को हमने इसमें से इसको घटा दिया है ना टू एन प्लस की की पावर है। वो इसके पीछे आप ये ध्यान रखें कि कौन सी टर्म दो चीजों को ऐड करेंगे के घटाएंगे दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐड करना है या माइनस करना है ऐड करने पर क्या होगा क्या वो इंटीजर बचेगा फाइनली या ना और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या वो इंटीजर बचेगा फाइनली या ना हमें फाइनली इंटीजर से मतलब है वो बचना चाहिए क्योंकि ध्यान से देखिए जो पिछला क्वेश्चन था जो हमने किया था ये इसके अंदर में भी तो फाइनली हमने क्या किया था किया किया था इनको इनको अगर हमने add किया था, तो फाइनली एक इंटीजर ही तो बच रहा था टू टाइम्स ऑफ इंटीजर यानी इवन नंबर आएगा ठीक है ना तो आइए दोस्तों अब जैसा कि हमने कहा भी था कि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं बाद में तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ Uh, अब क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टू प्लस रूट थ्री होल पावर सिक्स अपने को निकालना है तो हम जानते हैं टू प्लस रूट थ्री होल की पावर सिक्स को मैं आई प्लस एफ लिख सकता हूं यानी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन और एफ डैश मैं मान सकता हूं किसको टू माइनस का रूट थ्री होल की पावर सिक्स को सही है अब आई प्लस एफ के अंदर में अगर हम एफ डैश एड कर देंगे आई प्लस एफ के अंदर में अगर एफ डैश एड करेंगे क्यों ऐड करेंगे आप अपने आप सोच के देखो फिर से वही कारण मैंने बताया एड करना या सब करना हमें इधर राइट right साइड पे एक क्या चाहिए इंटीजर चाहिए इंटीजर चाहिए तो ऐड करेंगे तभी इंटीजर आएगा क्योंकि टू माइनस रूट थ्री पावर सिक्स आ रहा है तो बाद वाली टर्म आएगी तो वो कट जाएगी अगर ऐड हो रही होंगी चीजें तो दोस्तों रिजल्ट टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा सिक्स जीरो टू की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी टू इंटू टू की पावर फोर इंटू रूट थ्री की पावर टू प्लस सिक्स सी फोर इंटू टू की पावर टू इंटू रूट थ्री की पावर फोर प्लस सिक्स 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 सी सी रूट थ्री की पावर सिक्स ये आ जाएगा अपने पास और हम ऑलरेडी जानते हैं कि भैया ये एक इंटीजर है एफ प्लस एफ डैश भी इंटीजर होगा और एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू हम जानते हैं जीरो से लेकर के टू ओपन के बीच में और इंटीजर तो केवल केवल ये वैल्यू एक ही होगी यानी वन होगा यानी आई की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ जो भी ये वैल्यू आ रही है टू टाइम्स ऑफ दिस थिंग माइनस का वन वो आंसर आ जाएगा और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने पर दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा आई की जो वैल्यू है टू आ जाएगी एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन करेक्ट तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में बिल्कुल सिंपल है आप ट्राई करना चाहें बिल्कुल इजीली ट्राई कर सकते हैं करेक्ट है और इसी तरह ही एक और इस जैसा ही सवाल ये वाला भी क्वेश्चन है आप ये भी ट्राई करना चाहें करना चाहें तो मैं करके बता भी सकता हूं उसको कोई खास बात नहीं है देखें ध्यान सेवन प्लस फोर रूट थ्री होल की पावर एन को हमने लिखा हुआ है पी प्लस बी जहां पर पी इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है और जो बी है वो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है B क्या दिया हुआ है? दिया हुआ हुआ है अब, है एक फ्रैक्शन अब रूट थ्री कितना पावर एन को हम बी डैश मान सकते हैं और बी डैश की भी वैल्यू ओपन जीरो से ओपन वन के बीच फ्रैक्शन होगा ये बात समझ में आ रही है मेरी तो अब क्या कर सकते हो आप लोग दोस्तों अब आप चेक करोगे तो पी अब इन दोनों को ऐड करोगे कि करोगे सोच करके देखिए पार्ट के बारे में बात करनी है तो पी प्लस बी प्लस बी डैश की बात करोगे तो करके देख सकते हो आप सेवन प्लस फोर रूट थ्री की पावर एन प्लस सेवन माइनस का फोर रूट थ्री की पावर एन क्योंकि जैसे इसका एक्सपेंशन करोगे आप तो एन सी वन मतलब बेस में सी के वन ऑड होगा तो माइनस आएगा है ना जैसे ये क्या आएगा एन सी जीरो इंटू सेवन की पावर तो एन आ जाएगा प्लस एन सी वन इंटू सेवन की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस का फोर रूट नेगेटिव आएगा right. तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ ये एक इंटीजर आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ इंटीजर आ जाएगा एड करने पर वैल्यू एक नंबर आएगी ये इवन नंबर आएगी अब हमें पता है ये और ये इंटीजर है तो बी प्लस बी डैश तो बी प्लस बी डैश बी और बी डैश का एडिशन बात बात करूंगा बी प्लस बी डैश की वैल्यू जीरो से लेकर के टू के बीच में आएगी जीरो से टू के बीच में जीरो से टू के बीच में केवल एक ही इंटीजर लाई कर रहा है वन तो बी प्लस बी डैश की वैल्यू वन आ जाएगी तो यानी बी प्लस बी डैश की वैल्यू वन आ चुकी है अपने पास और p एक इंटीजर आया है, लेकिन हमने तो क्या बात करनी है वन माइनस का b अब वन माइनस का b कौन है b डैश है मल्टीप्लाइड बी कौन है n है इसकी वैल्यू निकालनी है अब n कौन है सेवन प्लस फोर रूट थ्री की पावर n इंटू बी डैश कौन है सेवन माइनस का फोर रूट थ्री की पावर n मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्र माइनस का बी स्क्र बनेगा का का यानी one, one की n, यानी की पावर तो दोस्तों one इस सवाल आंसर आपके सामने आ जाता है। है so, हमें question to question हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर binomial expansion को करना और पर कहा्रैक्ट करना है और इंटीग्रल पार्ट एक गिवन नंबर का ऑड है या इवन है इस तरीके के सवाल इस इस तरीके के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं राइट right, दोस्तों